हम देखते हैं कि आज जो हमारी मम्मा है वो क्या बनाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे और सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। भाई दिल्ली में सर्दी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, आप लोग यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है आप लोग बताइएगा। और बच्चों का, खास तौर से छोटे बच्चों का बहुत हिफाजत कीजिएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ने वाली है अभी और बढ़ेगी और बड़े सर्दी। बच्चों का बड़ों बच्चे अपना ख्याल अपने करेंगे। और देखिए मैं आज बना रही हूँ, नया आलू आ गया है तो चिकन टिक्का मटन टिक्का सब बनाया होगा, लेकिन आलू टिक्का नहीं बनाया होगा आप लोग। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज आलू टिक्का बनाना। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ 1 किलो आलू बॉईल कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, 80% गला लिया है। और यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। सबसे पहले मैं ये आलू को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। ये आलू का बहुत सारे डिश बच्चे रखते भी हैं और ये आलू खाने में मज़ा भी आता है सर्दी में, तो ये पकवान है। तो जब तक मैं देखिए आलू को बॉयल करने के लिए रख दिया, इधर इसका मसाला बनाती हूँ। इसके मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए चलिए चलते शुरू करते हैं। लिया है यहाँ पे मैंने 50 ग्राम से ज़्यादा आप डालो, मैं मिक्स करूंगा। लो छोड़ो, और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया। सबको इसी दही में मसाले को तैयार कर लेंगे, चूल्हा धीमा की। चलो रखो। अब इसमें हल्दी, हल्दी पाउडर डाल दिया। जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच डालूंगी मैं भर के, इससे चाय वाली चम्मच से टिक्का मसाला, शान का उसमें डालूंगी मैं सोया सॉस, और अगर आप लोग यहाँ गला खराब नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं। मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ। इसमें डाल दूंगी मैं टमाटो केचप 2 ही चम्मच, उसी चम्मच से जिस चम्मच से मैंने टिक्का मसाला डाला। आलू बॉईल करने के टाइम नमक डाल दिया था तो मैं नमक थोड़ा सा डालूंगी, हाफ नमक उसमें डाल दिया था मैंने। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए शक्कर, शक्कर खाओगी ये चम्मच से 1 चम्मच ही डाला, चाय वाली चम्मच से मैंने बस। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। और अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स या रेड चिल्ली डाल दीजिए। मैं कोई चिल्ली विल्ली नहीं डाल रही हूँ ना रेड, मैं एक तो लाल मिर्च खाती नहीं, हरी मिर्च खाती हूँ लाल मिर्च की जगह। और अगर थोड़ा बहुत रेड चिल्ली वगैरह डालती हूँ तो बच्चों के चलते, छोटे बच्चों के चलते नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये भी वो तो खाली खाली भी ऐसे खा लेंगे, आलू बच्चों को पसंद होता है। तो चलिए मेरा मसाला यहाँ तैयार हो गया, और देखिए मैं यहाँ आलू भी बॉयल हो रहा, बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, एकदम बॉयल का हो रहा है, अरे फ्राई हो रहा है। आलू को फ्राई कर लिया, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब ये जो मसाला तैयार करके रखा है अब मैं इसमें डाल दूँगी।
दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, इसी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छे से थोड़ा सा प्याले में लगा था, तो ज़ाया नहीं करना है, सब इसमें डाल देंगे। बस इसको 5 से 7 मिनट एकदम मीडियम आंच पर पका लेंगे, ये तेल छोड़ देगा। चलिए इतना अच्छे से हमारा हो गया है, अब ये बस हल्के से मिक्स कर देंगे और उसमें गार्निश के लिए धनिया पत्ती, आप नींबू, हरी मिर्च। तो मेरी धनिया पत्ती हमारे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैं बस थोड़ा सा डाल देती हूँ और मैं खा ली। ये देखो बदतमीजी, तो देखिए हो गया हमारा। जबरदस्त सा टिक्का, आलू टिक्का तैयार। और सबको धोखा देना है, सब्जी सब ला कर दिया नहीं है, तो सबको मैंने आलू टिक्का बनाया, तो सोचा कि अपने YouTube फैमिली को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी सिखा दूँ, चाहे उनके घर में भी कभी कोई सब्ज़ी ला के ना दे, तो आप इस टाइप से आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ भाई, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत ख़ास रेसिपी आप लोग नहीं है, हर कोई आलू की सब्ज़ी बनाता है, लेकिन हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मैंने भी डिफरेंट तरीके से बनाया तो आप लोग को दे दिया। तो आप लोग अच्छे अच्छे से, आप लोग को लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत हिम्मत मिलेगी, और सब्सक्राइब जरूर। चलिए फिर कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।